जोरदार जितने भी फैंस का नाम मौजूद है। और सही बात ये बताना चाहूंगा आपको कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से सब मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ एकत्रित हैं। वाकई बहुत गर्व और खुशी की बात है। क्या बात, क्या बात है। आप सबको ढेर सारा प्यार। जिंदाबाद। वो तो है, हिंदुस्तान की शान जरूर है और दामाद है पाकिस्तान का। वाह वाह वाह। सनी भाई देख रहा हूँ तो बड़े गौर से आप वो पंप को देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे। क्या कुछ होने वाला है फिर से? पहले मैं आप सबको बहुत बहुत आपका थैंक यू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे कहा कि कोई दिन में बारिश, इतनी ढेर सारी बारिश हुई और इतने सालों को देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो डर लग रहा था शायद आज कहीं कल ना हो जाए, लेकिन मुझे पता चला कि ढेर सारे लोग हिंदुस्तान के दूसरे दूसरे कोने से आए हैं। yes. हमारे जर्नलिस्ट भाई सब लोग आए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और बाकी जो मेरे फैंस हैं, बल्ले बल्ले सर, बल्ले बल्ले। सनी भाई जब पहली बार बताया गया, जब अनिल जी आपके पास आए, उन्होंने कहा कि आपके नम हो गई थी आंखें, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे फिल्म करनी ही चाहिए? और अनिल जी को, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है अनिल जी कई बार आपको अलग अलग तरीके से बोल चुके थे कि आप कुछ करना है, तो क्या हुआ, हुआ क्या मोमेंट था वो? देखिए गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने ऐसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान तो उठा दिया। यस। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए, तो इसी में डर बहुत रहा था। लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खैर वो गदर गदर थी, अभी उम्मीद करता हूँ ये गदर भी एक तरह से गदर बने। क्या बात। और ये तभी होगा जब आप लोगों को फिल्म पसंद आएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी। जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसका पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं। और बस यही चाहूँगा कि ये भी जैसे गदर आपको छुई थी, ये भी आपके दिलों को छुए और जोश भर दे अपने परिवार के लिए, देश के लिए, बिकॉज सबसे बड़ी ताकत एक प्यार ही होती है और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। वो कहानी अलग थी, ये कहानी कुछ अलग होने वाली है, तो क्या क्या अंतर आ गया है? एक्चुअली जो सवाल की गए थे मुझे जब मैंने ये फिल्म करने के लिए एक्सेप्ट किया था, पहले तो शुक्रिया था सबका, सभी ने ऑलरेडी कह दिया कि आप लोग इतने बारिश में देश के कोने कोने से आए हो। मैं पहले तो कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट कोस्टा ऑफ माइंड सनी जी, जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना, तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी। बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत जानी मानी हस्तियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जानी मानी हस्तियाँ, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ मैं फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी। अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी। ऋतिक के साथ दो दो फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यारे और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन करा किया था और कहो ना प्यारे रिलीज नहीं हुई थी, तो सब ने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है ही इज ब्रिलियंट, एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी
शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी, तो मुझे हाँ करना ही था। यस, बहुत मुश्किल था, लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे, हर चीज पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मैच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूं, थोड़ी एक माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊं एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे। और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गदर कहा था, और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात। और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी, हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ year old boy। मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। अगेन थैंक्स टू माई डायरेक्टर, माई फैबुलस मेकअप टीम, जयवंत जी, पूजा जी एंड ग्रॉकी हु वर्क्ड ऑन माई कॉस्ट्यूम्स। हम 20-20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को। और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे मुझे थोड़ा सा और मैच्योर दिखाने के लिए फिल्म में, आई गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम अनिल जी सेइंग माई प्रेशियस सकीना इज बैक। The most important person in all of all this is Mr. Shahrukh Patel. क्योंकि ये सब मुमकिन नहीं होता अगर उन्होंने फेथ नहीं रखा होता कि 22 साल बाद भी उनमें हिम्मत थी कि एक जनरेशन जा चुका है, एक नई जनरेशन आ चुकी है और उनके सामने ये आइकॉनिक फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए हिम्मत, करेज, balls if I may say so, is only and one only Mr. Shahrukh Patel. And yes, fabulous team of people, Neeraj, Nishit, Tariq Kabir, all of them, उन्होंने इतनी मेहनत की है और आज उनकी वजह से we're standing here. आप मुझे पूछ रहे हो कैसा लग रहा है, एक्चुअली जैसे सनी जी के आंसू निकल रहे हैं तो मेरे भी निकल रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा स्केयर हूँ, मेकअप खराब हो जाएगा। लगातार और हर बात, तो एक ऐसी बात बताइए यूनिक तो किसी को नहीं मालूम है, तो फिल्म सेट पे आपने महसूस किया कमाल की बात। ये बिना साबुन के हाथ धोते रहते मैं बताऊं कैसे। अरे अमीशा जी देखिए सकीना मैडम भाई हमारे हीरो, और ये उधर तकिया कलाम है। और इस बारी पालमपुर में जब हम लोग पहले स्केच में शूटिंग कर रहे थे तो उनको बड़ा फॉग का पसंद है, तो कट टेक ओके ये करो वो करो सुनेंगे ना था फॉग फॉग फॉग, और उसके बावजूद बोलते थे मैं वीएफएक्स में और फॉग ऐड करूंगा। लेकिन ही इज अ परफेक्शनिस्ट, हमारे बीच में बाप बेटी का रिश्ता है, हम बहुत फाइट करते हैं। क्यों? बस ये मुझे नाराज करते रहते हैं, ये और मैं इनसे फाइट करती रहती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करती हूँ, उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करती हूँ, फिर अनब्लॉक करती हूँ, ये हमारा रिश्ता है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज कि उत्कर्ष को फिल्म में मैं लाई थी और मैं हमेशा अनिल जी को बोलती हूँ कि आपके दोनों बच्चे इतने खूबसूरत हैं कि अगर सकीना और तारा की बेटी भी होती तो आप अपनी बेटी दे दीजिए मुझे। तो उत्कर्ष इज अ वेरी लवली बॉय, आई हैव टू बताना चाह रही हूँ कि ये एक फैमिली फिल्म है। और बस मैं 2 मिनट लूंगी क्योंकि मुझे बकबक करने की आदत है। एक बहुत हसीन हादसा हुआ था जब गदर